स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो, इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 है अपना, प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है प्रोडक्शन करना। कैसे प्रोडक्शन होता है किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में। अब देखो, इससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे अपन। ये देखो, ये फोटो दिख रही है यहाँ पे। रेड स्पॉट को फॉलो करना है आप लोगों को। ये देखो, दिख रहा है ये वर्कर्स हैं और ये कुछ काम हो रहा है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कौन काम कर रहा है? ये लेबर्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? बेसिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। फंक्शन फंक्शन अगर लिखा है कहीं पे भी तो समझो आपको फॉर्मूला बता रहा है ना। मैथ्स का कोई फॉर्मूले से बन रहा है। प्रोडक्शन सबको पता है कि उत्पादन, किसी चीज को प्रोड्यूस करना या किसी फैक्ट्री में किसी सामान को बनाना। लेकिन फंक्शन की बात कर रहा है, इट मीन्स कोई फॉर्मूला दे रहा है ना। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बताया मैंने आपको? लैंड, लेबर। लेबर कैपिटल माइक म्यूट कर लो। कैपिटल हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, और क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता है एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में और आउटपुट, इट मींस ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना बेटा, ये लैंड, एक लेबर चाहिए उस काम को। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये किसी प्लेस पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, ये लोग लैंड है, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये लेबर, प्लस ये सब सामान कैसे बना? कैपिटल से। और ये सब किसके अंदर आते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं ये सब। ठीक, तो ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन, इट मीन्स ये सामान बन के देखो ये रेडी हो रहा है। तो इनपुट याद रखना, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं क्या है वो बोल रही हूँ मैं, इनपुट। इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, इनपुट, इनपुट क्या होता है? मैम, जो चीजें लग रही है वो इनपुट हाँ, है और उससे इनपुट, जो चीज बनेगा वो आउटपुट है। आउटपुट, जो प्रोडक्शन बन के रेडी हो रहा है वो क्या हो गया? आउटपुट। तो देखो, तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन होता है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट है अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर, और आउटपुट क्या है? वो जो सामान बन के रेडी हो रहा है। तो जो फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन होता है किसी भी चीज को, गुड, किसी भी गुड्स के लिए, मतलब किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए जो क्या शो करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। देखो, कैपिटल और लेबर की हेल्प से एक गुड को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो देखो, ये कैपिटल को डिनोट किया है के से, लेबर को डिनोट किया है एल से, और क्यू क्या है? गुड्स, जो प्रोडक्शन हो रहा है। गुड्स किससे बन रहे हैं? कैपिटल इंटू लेबर्स। नेक्स्ट देखो, मैम, वो एफ क्या है फंक्शन, फॉर्मूला में? ए फंक्शन, फंक्शन को बोलते हैं बेटा एफ, फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन है ना। ये देखो, फंक्शन, फंक्शन यस मैम। ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कितने समय में प्रोडक्शन हो रहा है, कितने टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है, इसको बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट देखो, इट एक्सप्रेस अ फिजिकल रिलेशन। फिजिकली गुड्स दिखते हैं ना, फिजिकली, मेंटली दिखेगा क्या? माइंड में दिखेंगे गुड्स? नहीं, फिजिकली, फिजिकल रिलेशन किसके बीच में?
इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मैंने बताया था पहले ही क्या एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स में. नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स अ प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप. ये क्या डिस्क्राइब करता है, प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है. बिकॉज वॉट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. हम उस समय प्रोडक्शन के पॉइंट में, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी, लेबर देखो खुद अपने हाथ से सामान नहीं बनाते आज की डेट में, ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, बट टेक्नोलॉजी जो मशीन्स होते हैं उनकी हेल्प से, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये उसकी बात हो रही है. ये देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं इसको. देखो जो नेचर है प्रोडक्शन फंक्शन का, उसमें क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं. ठीक, मैंने बताया अभी इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो इनपुट में क्या चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आउटपुट मिलेगा अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो देखो क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे लेबर, कभी लेबर वन है फिर लेबर टू होगा, लेबर थ्री फोर फाइव सिक्स करके ऐसे लेबर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. कैपिटल में देखो, कभी कैपिटल 1 लाख है तो फिर 2 लाख फिर 3 लाख फिर 4 लाख, तो धीरे धीरे देखो कैपिटल भी बढ़ेगा, धीरे धीरे लेबर्स भी बढ़ेंगे, तो आउटपुट क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा. नेक्स्ट देखो, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप्स की बताई मैं, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन. जो शॉर्ट रन है उसमें एक ही इनपुट आगे पीछे होगा और एक कॉन्स्टेंट रहेगा. सपोज जैसे कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी. शॉर्ट रन है, देखो शॉर्ट रन के लिए किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, मतलब सपोज हम मार्केट में ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी लाइफ 1 साल तक की है, तो वो शॉर्ट रन है. और लॉन्ग रन में क्या आ जाएगा, 15 साल या 20 साल, है ना, या 6-7 या 7 साल, जो भी. तो एक इनपुट यानी कैपिटल इसमें क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, बस इससे ज्यादा हम कैपिटल नहीं लगा सकते बिजनेस में. लेकिन जो आउटपुट है वो किससे बढ़ेगा, अपना सिर्फ लेबर को. तो शॉर्ट रन में हम सिर्फ लेबर्स को इंक्रीज करेंगे और लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स मतलब लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज करेंगे. यहां पर देखो लास्ट पीपीटी में ये देखो, ये जो फॉर्मूला दिया है के कॉमा एल, तो कौन से दो इनपुट्स लिए, कैपिटल और लेबर. इसलिए ये देखो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पर लेबर की, और बोथ इनपुट्स का मतलब यहाँ पे कैपिटल और लेबर से. आगे देखो, शॉर्ट रन में देखो वर्सेस लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में क्या होता है, प्लांट साइज फिक्स होता है लेकिन लेबर वेरिएबल होगा. फिर से नेक्स्ट, प्रोडक्शन फर्म्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे ना कॉमा आएगा प्रोडक्शन के बाद, फर्म इंक्रीज करती है लेबर को बट कांट एक्सपांड देयर प्लांट. प्लांट की साइज को वो बड़ा मतलब बढ़ाती नहीं है, मतलब कुछ 5 एकड़ में हो रहा है तो उसको 6 एकड़ नहीं करेगी या 7 एकड़ नहीं करेगी, मतलब ज्यादा कैपिटल नहीं लगाएगी, जितना है सो है, उतने में ही काम चलाना है. नेक्स्ट देखो, अभी शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन है ये वाला नोटिस करो एक चीज, ये जो शॉर्ट रन है इसको बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का जो लॉ है उसके लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ये देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वेरिएबल मतलब वेरी करता, चेंज होते रहना, मतलब अकॉर्डिंगली वो वेरी करते जाएंगे. क्या वेरी करेगा लॉन्ग शॉर्ट रन में, लेबर, और दूसरे फैक्टर्स इसमें क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट. आगे देखो, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. समझ में आया क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश है ना. अब देखो इसको एक और नाम से बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर. तीन नाम है इस लॉ के, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हो, या रिटर्न टू अ फैक्टर भी बोल सकते हो, या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हो.
नेक्स्ट देखो, इसके assumptions, assumptions का मतलब होता है ऐसी चीजें, जब लॉ बन रहा है तो ये चीज ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, इन सिचुएशंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो, वन फैक्टर एल मतलब लेबर, वो क्या रहेगा? वेरिएबल। और जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे वो सब क्या रहेगा? के यानी कैपिटल, वो सब क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट। लेबर इज होमोजीनियस, लेबर एन नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज में अवेलेबल है, होमोजीनियस है। टेक्नोलॉजी देखो कांस्टेंट रहेगी, मैंने बताया आपको टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, बस कैपिटल जो एक बार लग गई तो लग गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए रहता है? कैपिटल चाहिए रहता है। तो टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इनपुट प्राइसेस दिए रहेंगे, इनपुट प्राइस आर गिवन, इनपुट क्या है? लेबर है, कैपिटल है, तो इनका प्राइस ऑलरेडी पता है। हाँ, लेबर इज होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है? देखो यहाँ पे एक चीज ये अज्यूम की जा रही है कि जो लेबर्स हैं है ना, उनके जो स्किल्स हैं सबके एक जैसे से, एक जैसे सबके स्किल्स, सबका नेचर, सबका नॉलेज इक्वल है। मतलब इसमें ये चीज अज्यूम की जा रही है, ऐसा नहीं होगा इसमें कि एक लेबर के पास स्किल्स ज्यादा है और दूसरे लेबर के पास स्किल्स कम है, एक के पास नॉलेज अच्छा है तो दूसरे के पास कम है, नहीं। इट मींस सब एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही वैरायटी के हैं। आ रहे समझ में? यस मैम। आगे देखो। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब हमको तीन चीजें पढ़नी है। देखो ये डायग्राम दिखाऊंगी ना तब इसको समझना। अभी ये देखो, सिंपल सी मीनिंग समझो, टोटल प्रोडक्ट फंक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन होता है, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, और एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, इट मींस जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ रहे हैं या रिटर्न टू अ फैक्टर, ये नाम है इसके, तो इसमें इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लेबर या उसके साथ जितने भी लेबर्स इन्वॉल्व हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, ये होगा। मार्जिनल क्या होता है याद रखना, किसी को पता है मार्जिनल की मीनिंग क्या होती है? मार्जिनल मींस जब हम एक वर्कर ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, सपोज पहले पांच लेबर ने मिलके 20 गुड्स का प्रोडक्शन किया था, पांच लेबर मिलके 20 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। तो सपोज अब हमने एक वर्कर बढ़ा दिया, अब हो गए 6 और अब प्रोडक्शन हो रहा है 22। आ रहा है समझ में? पांच मिलके कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं बताओ? 20 का, 20 का, देखो ये मार्जिनल पे है ना, जब पांच मिलके कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 20 का। अगर मैंने एक वर्कर बढ़ा दिया, अब टोटल वर्कर हो गए 6, अब प्रोडक्शन कितना हुआ? 22। तो देखो एडिशनल आउटपुट, तो एडिशनल कितना आया बताओ? 20 और 22 में एडिशनल कितना हुआ? 2। ये जो एडिशनल आउटपुट है 2, ये प्रोड्यूस होता है जब हम एक वर्कर ऐड करेंगे, याद रखना हमेशा एक, कभी भी ये 2, 3, 4 नहीं होगा। मार्जिनल में हमेशा ये देखा जाता है किसी एक, मतलब एक लेबर है, कभी एक क्वांटिटी होती है, कभी कुछ रहेगा, लेकिन एक को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन जितना बढ़ता है, और प्लांट साइज कॉन्स्टेंट रहेगी, प्लांट की साइज बढ़ेगी नहीं, याद रखना मैंने पहले ही बताया था कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं आ रहा है। तो जो एडिशनल आउटपुट रहेगा 2, ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। आया समझ में मार्जिनल का मतलब? यस मैम। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने बोलता है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये जो एडिशनल अमाउंट था 2, किसी एक को इंक्रीज करने से, एक लेबर को। अब एवरेज क्या होता है बताओ? एवरेज क्या होगा इसका? 20 प्रोड्यूस हो रहा है, कितने लोग मिलके कर रहे हैं? 5। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज क्या आएगा बताओ?
फोर आ रहा है सबको समझ में एवरेज का मतलब? यस मैम। और कोई नहीं है क्लास में? बताओ एवरेज क्या होगा इसका, सेकंड वाले का? मैम 3.66 करके आ रहा है। यस सबका आ रहा है यही? मैम। यस मैम। देखो तो ये देखो, एवरेज प्रोडक्ट क्या है? रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर ऑन एवरेज, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं आउटपुट पर वर्कर। तो ये था मार्जिनल प्रोडक्ट, ये था एवरेज। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियस है, कितने वर्कर्स ने मिलके कितना टोटल आउटपुट दिया, कितना आउटपुट का प्रोडक्शन किया, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट, जिसमें सिर्फ एक लेबर ही ऐसा फैक्टर है जो वेरी करेगा और बाकी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब क्या है, वैरी करेंगे। वैरी करेंगे मतलब आगे पीछे रहेंगे। नेक्स्ट देखो, सपोज फॉर अ कॉफी शॉप आउटपुट वुड बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ कॉफी कप्स अ डे। अगर स्टील मिल में है तो आउटपुट को कैसे मेजर किया जाएगा? एक दिन में कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ, अ डे, सिंगल डे की बात हो रही है। किसी को डाउट है यहां तक? नो मैम। क्लियर नो है मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप सबके पास बुक है? मैम इकोनॉमिक्स की नहीं है। नो मैम। किसी नहीं है किसी के पास भी? अच्छा देखो, एक ना एक काम करो, आप सब अपने कॉपी पे कुछ एक डेटा बोलती हूँ मैं, उसको नोट करते जाना। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग पांच कॉलम बनाओ इक्वल, है ना? पांच कॉलम बनाओ। सर ये देखो, दिख रहा है सबको? ये चार है ना, आप पांच बनाओ। मैम इसी को नोट करना है क्या? नहीं बेटा, जो मैं बोलूंगी वो नोट करेंगे अपन। एक कॉलम में लिखो, जैसे ये नंबर ऑफ वर्कर्स है ना बेटा, ये देखो दिख रहा है? जस्ट इसके यस मैम। पहले एक कॉलम रहेगा आपका, जैसे ये देखो चार है ना, ये देखो ये एक कॉलम, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, वैसे एक और बनेगा इसके पहले, उसमें लिखना फिक्स्ड फैक्टर लैंड, LANDL, ये है लेबर, ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट, और एक आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। सबने बनाया अपने साथ कॉपी में? जैसे जैसे बोलते जाऊंगी वैसे वैसे नोट करते जाएंगे आप सब।
बन गए कॉलम सबके? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, जो ये इसके पहले लैंड वाला बनाया सबने? यस मैम। ठीक है, अब देखो yes, जैसे ma'am. ना उस कॉलम पे ना फाइव फाइव लिखना सब, क्या लिखेंगे? फाइव। कितने बार लिखेंगे? नौ बार। जैसे ये कितने लिखे हैं? ग्यारह लिखे हैं ना यहाँ पे, मतलब जीरो से इलेवन है तो समझो ये बारह बार लिखे हैं। तो ऐसे आप ना नौ बार, मतलब ऐसे फाइव 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 लिखो। लिखा सबने? यस मैम। फिर देखो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, वो आप जीरो से काउंटिंग दो एट तक की देना आप, बस जीरो से लेकर एट तक की काउंटिंग देना आप। ये नाइन टेन इलेवन आप छोड़ देना। यस मैम। ठीक है, अब देखो टोटल प्रोडक्ट में आना आप सब। जो फर्स्ट वाला है उस पे जीरो कर दो, किया जीरो? यस मैम। सेकंड वाले पे टेन लिखो, फिर टेन के बाद लिखना ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर के बाद आना थर्टी नाइन, थर्टी नाइन के बाद आना फिफ्टी टू, फिफ्टी टू के बाद आना फिफ्टी वन, फिफ्टी वन के बाद लिखना सिक्सटी सिक्स, फिर से सिक्सटी सिक्स लिखना, 66 लिख लिया है, फिर से नीचे लिखना 66 और सबसे लास्ट में लिखना 64। किसी का कुछ छूटा? नो मैम। रिपीट कर रही हूँ फिर से, देख लो 0 10 24 39 52 51 66 66 64 पूरे कॉलम फिल हुए सबके, मतलब लाइन से? यस मैम। देखो उसके बाद आपने क्या लिखा था? एवरेज प्रोडक्ट लिखा? यस मैम। अब एवरेज कैसे निकालना बताई हूं मैं, जो प्रोडक्ट है उसको वर्कर से क्या करते हैं? डिवाइड किया था ना अभी इसके पहले वाले पीपीटी में, 20 को डिवाइड किया था 5 से तो क्या आया था? 4 आया था। यस मैम। सेम, चलो अब एवरेज निकालेंगे। तो ये देखो फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट कॉलम था लैंड वाला, उसको एज इट इज रहने दो, आपका काम लेबर और टोटल प्रोडक्ट वाले कॉलम से है। ठीक है, तो देखो जीरो और जीरो है फर्स्ट वाले में, तो एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो फर्स्ट वाले का। क्लियर हुआ यहां तक? यस मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा एवरेज बताओ मेरे को? टेन। टेन आया सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकंड क्या आया एवरेज? ट्वेल्व। हाँ ट्वेल्व लिखो। फिर क्या आया? थर्टीन। 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 हाँ कितने बार थर्टीन आया? दो बार आया मेरे ख्याल से, थर्टीन थर्टीन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर क्या आया? ट्वेल्व पॉइंट टू। ठीक, फिर क्या आया देखो? इलेवन के बाद नाइन पॉइंट वन। हाँ और नाइन पॉइंट वन के बाद एट। सबका ऐसे ही आया है? यस मैम। यस मैम। है ना, रिपीट करो मैं, आंसर्स मैच करो। एक आया होगा स्टार्टिंग से, देखो जीरो टेन ट्वेल्व थर्टीन, फिर से थर्टीन, ट्वेल्व पॉइंट टू, इलेवन, नाइन पॉइंट वन और एट। यहीं तक है सबका? यस मैम। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है देखो? मार्जिनल। मार्जिनल कैसे निकालना बताई हूं बताओ?
क्या बताई थी मैं, डेफिनेशन याद करो, एक लेबर के इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आप सोचो अपनी जो आपने कॉपी में बनाया है चार्ट है ना, उस कॉपी में ध्यान से देखो। पहले देखो जीरो लेबर था, प्रोडक्शन कितना आया, जीरो। एवरेज वाला नहीं देखना है, लेबर को देखो और टोटल प्रोडक्ट को देखो। जीरो लेबर था, जीरो टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखो नीचे, उसके सामने मार्जिनल में जीरो लिख लो या उसको ब्लैंक छोड़ दो। किया? यस मैम। नेक्स्ट देखो, अब एक लेबर है ठीक, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है बताओ। 10। तो देखो पहले जीरो था, अभी एक लेबर बढ़ा ना, एक बढ़ा तो प्रोडक्शन कितने से बढ़ा है, पहले जीरो था अभी 10, तो आपका मार्जिनल क्या हो गया, 10 हुआ। तो मार्जिनल प्रोडक्ट में 10 लिखो। यस मैम। ठीक, फिर नेक्स्ट में आओ। पहले देखो लेबर 1 था, अब लेबर कितने हो गए, 2, 2 हो गए लेबर। यस मैम। तो देखो yes, ma'am. एक लेबर बढ़ते जा रहा है और प्रोडक्शन देखो अब कितना हो गया है, 24। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किससे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट को माइनस करने से पुराने वाले। तो 24 में से क्या माइनस करोगे अब, 10। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो क्या आ जाएगा अब मार्जिनल प्रोडक्ट, 14 आ जाएगा। 14। ठीक, ऐसे करके कैलकुलेट करो। अब देखो 2 से कितने हो गए लेबर, 3, एक लेबर बढ़ा। प्रोडक्शन देखो 39 हो गया, तो 39 माइनस 24 करो, क्या आया, 15 आया। वैसे ही जल्दी जल्दी निकालो, नेक्स्ट निकालो, कहीं पे अटकोगे तो पूछना। मैम लास्ट का माइनस में आएगा। हाँ, माइनस 2 में आ रहा है। यस मैम। सबका आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद देखो, अब ध्यान से समझो, पूरे उसको समझो। अब ना अपन इस चार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। देखो अब ध्यान से एनालाइज करो, जहां पर देखो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब बताओ वो कौन सा सिचुएशन है जहां पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है। मैम जब कोई एडिशन, हाँ बताओ, मैम फिफ्थ पॉइंट पे 13 और 13 इक्वल आ रहा है। सबको मिला वो वाला जो मैं बोली? यस मैम। यस मैम। है ना, तो देखो जहां पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होगा, उसके पहले तक, उसके मतलब पहले तक, मतलब 0, 1, 2, 3 तक स्टेज 1 कहलाएगा। जहां पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होगा वहां से स्टेज 2 शुरू होगा। आ रहा है समझ में? वहां पे क्या शुरू होगा, स्टेज 2।